दोस्तों जैसे ही पाकिस्तान ने ब्रांड चीज़ों पे पाबंदी लगाई तो सिगरेट भी ब्रांड ही थी। कैप्सन और मारवन जो सिगरेट हैं वो ब्रांड ही थे, और अब जो हैं ये पाकिस्तान में पूरे शॉट हो चुके हैं। जो सिगरेट पीते हैं उनके लिए ये बहुत बुरी खबर है, जो नहीं पीते उनके लिए अच्छी खबर है, जो सिगरेटों के खिलाफ हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी खबर है। बहरहाल बात करते हैं कि ट्विटर पर भी अब सबसे ज़्यादा जो ट्रेंड चल पड़ा है वो कैप्सन नामंजूर, और लोगों ने इसके खिलाफ रैली भी निकाली, एहतजाज भी किया। तो दोस्तों बात करते हैं अब कि ये सिगरेट कब आएगा या नहीं आएगा या ब्लैक में आएगा। अब वो तो एक अलग बात है, मगर जो पाकिस्तान में इस टाइम अवेलेबल सिगरेट हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं, लोगों ने स्टॉक करके माल रखा हुआ है और ये अपने ही रेटों और मुख्तलिफ दामों में बेच रहे हैं ताकि किसी को पता ही नहीं है कि इसका रेट क्या है। क्योंकि अब आपको पता है हम पाकिस्तानी हैं, हमारे हाथ में अगर जो चीज़ है हम उसको, हो सकता है ये 500 रुपये का भी पॉकेट बिके, एक पॉकेट 500 रुपये का भी बिके। जो ज़्यादा सिगरेट के पीने वाले हैं या उनके जो मवाली हैं वो तो लेंगे ही। बहरहाल अगर आप पीते हैं तो इसको छोड़ ही दें तो अच्छी बात है, ये सेहत के लिए बहुत बुरी चीज़ है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।